हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन अनदर वीडियो। यू गाइस आर वाचिंग इंडिया विशु चैनल और आप सभी को पता है कि इस चैनल पर आपको सभी लेटेस्ट गैजेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट गैजेट्स के साथ में, जो कि है ओप्पो फाइंड एक्स 2। लीग ऑफ लेजेंड्स थीम पर बेस्ड इन्होंने एक और ओप्पो फाइंड एक्स 2 का जो वर्जन है वो निकाला है, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। कलर जो चुना गया है वो बहुत शानदार लग रहा है, बिकॉज जो इसके जो डिज़ाइन किए गए हैं, कस्टमाइज जो डिज़ाइन निकाली है, साइड के जो बेजल्स हैं वो गोल्ड प्लेटेड किए गए हैं। देन उसके साथ में जो इसकी एक्सेसरीज है, जैसे कि चार्जर कवर जो है उसका और सिम इजेक्टर जो टूल है, वो भी बहुत प्यारी डिज़ाइन के साथ में निकाले हैं, तो दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बात करते हैं दूसरी इन्फॉर्मेशन की, तो ये वन प्लस की तरफ से है। वन प्लस ने अपना नॉर्ड ग्रे और ग्रे एश कलर के अंदर लॉन्च कर दिया है। जो लोग ग्रे कलर चाहते थे उनके लिए ये बहुत ही अच्छी बात है, बट इसके अंदर आपको सिर्फ एक ही वेरिएंट मिलेगा, 12 गिग्स ऑफ रैम और 256 GB मेमोरी, जो कि आपको 29,999 रुपीज़ का मिलने वाला है। बात करें इसके अलावा ही वन प्लस ने अपनी तीन और एक्सेसरीज लॉन्च की हैं, जैसे कि फर्स्ट है वन प्लस बुलेट जेड ईयरफोन, जो कि आपको पड़ेंगी 1999 रुपीस की। इसके अलावा वन प्लस ने अपना स्पेशल 10,000 mAh का पावर बैंक भी लॉन्च किया है, जो कि आपको पड़ेगा 1299 रुपीस का, जो कि 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देता है, मतलब आउटपुट देगा आपके फ़ोन को, 18W पर चार्ज करेगा। एंड इसके अलावा ही वन प्लस ने अपने बड्स जेड भी लॉन्च किए हैं, जो कि ट्रू वायरलेस बड्स हैं। एंड इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट जो आपको पड़ेगी वो पड़ेगी 3,190 रुपये की, बट स्पेशल प्राइस के अकॉर्डिंग अगर आप स्टोर से लेते हैं तो आपको ये पड़ेंगे 2,990 रुपये के, जो कि स्पेशल प्राइस है, लिमिटेड प्राइस है। देन बात करें इसके अलावा, एक और वन प्लस का मोबाइल लॉन्च हुआ है जो कि है 8T। इसकी मैं छोटी मोटी जो स्पेशल जो स्पेसिफिकेशन है वो मैं आपको बता दूंगा इसके अंदर, जो कि इसकी है स्क्रीन 6.5 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले है, एमोलेड डिस्प्ले, जो कि बहुत ज़्यादा क्लियरिटी और डिटेल्ड व्यू के साथ में आपको पूरी क्लियरिटी के साथ में सारी चीज़ें दिखाने वाली है। कलर कॉन्ट्रास्ट भी बहुत अच्छा दिया गया है इसके अंदर, जो शार्प डिज़ाइन दी गई है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। देन इसके बाद में बात करें, इसके अंदर आपको सेल्फी कैमरा 16 MP पंच होल डिस्प्ले के साथ में मिलने वाला है। रियर साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें कि फर्स्ट होगा 48 MP, दूसरा होगा 16 MP, तीसरा होगा 5 MP और फोर्थ होगा 2 MP का, यानी कि फोर्थ कैमरा दिए गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी फोटो आपको निकाल के देने वाले हैं। बात करें इसके वेरिएंट की, तो इसमें आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे रैम के अकॉर्डिंग, 8 और 12 GB रैम के साथ में, 8 GB ऑफ रैम प्लस 128 GB स्टोरेज के साथ में, दूसरा होगा 12 GB ऑफ रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ में। बात करें इसकी बैटरी की, तो 4500 mAh की बैटरी होगी, जो कि 65W, जो कि मतलब बहुत फास्ट चार्जिंग है, बहुत ज़्यादा क्विक चार्ज हो जाएगी, और बैटरी बैकअप जो है वो भी बहुत अच्छा है। अपनी फोर्थ और लास्ट इन्फॉर्मेशन पे आते हैं, वो है ओप्पो का फर्स्ट स्मार्ट टीवी, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा है, वर्किंग बहुत प्यारी है, जिसकी डिस्प्ले है थिन बेजल्स दिए गए हैं, डिस्प्ले भी बहुत ज़्यादा क्लियर है, एमोलेड है शायद, मतलब बट कलर कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छे दिए गए हैं, सारे डिटेल है। और सबसे अच्छा मेरे को फीचर लगा इसके अंदर, पॉपअप सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी से सारे व्यूज़ दिखा रहा है। देन ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि वीडियो कॉलिंग करते हैं या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, उन सब चीज़ों के लिए वो ये बहुत ही अच्छा है, बिकॉज टीवी के अंदर इनबिल्ट आपको कैमरा दिया गया है, आपको कहीं अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जेन्युइन लगी हो, रिलेटेड लगी हो ये इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज़ गाइज लाइक माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइज, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, जब तक के लिए